आपके साथ और आप देख रहे हैं फिल्में पेचारा। आइए रुक करते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म का पठान का दूसरा गाना झूमे जो पठान गुरुवार को रिलीज हो गया। रिलीज के बाद से ही इसे 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फैंस में इस गाने को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस गाने को लेकर नए नए रिमिक्स भी बनाए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ओए अंकित नाम के शख्स ने इस गाने को सिंक करके रिमिक्स वर्जन बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया है। दरअसल क्रिएटर ने शाहरुख की 1999 में आई फिल्म बादशाह के फेमस गाने वो लड़की जो सबसे अलग है वाले गाने को सिंक करके झूमे तो पठान पर लगाया है। वीडियो को देखकर लोगों का कहना है कि ये रिमिक्स वर्जन ओरिजिनल से भी बेहतर। ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है और इसे लेकर कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है कि इस वीडियो के लिए ये रिमिक्स बनाया गया था। एक ने लिखा है, पठान के ओरिजिनल गाने से बेहतर है। चीन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। दरअसल चीन की रहने वाली एक 38 वर्षीय सिंगर जेन झांग ने अपने आप को जानबूझकर कोरोना से संक्रमित कर ली, जिससे कि वो आने वाली न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय कर सके। चीन में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए जेन झांग ने सोचा कि वो पहले ही कोरोना से संक्रमित हो जाए, जिससे कि न्यू ईयर आते आते उससे वो रिकवर हो जाए और उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। जेन झांग ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर दी थी, जिसको देखते हुए लोगों ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की मराठी फिल्म वेड जल्द ही रिलीज होने वाली। इसी बीच रितेश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह फिल्ममेकर करण जौहर के साथ अपने फिल्म के गाने वेड लावल्य पर डांस करते हुए नजर आ रहे। ये वीडियो शो केस तो बनता है के सेट के दौरान का। इस वीडियो को शेयर करते हुए रितेश ने कैप्शन में लिखा, शुक्रिया मेरे प्यारे करण जौहर वेड लावल्य से जुड़ने के लिए, लव यू। दोनों के इस डांस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित इस मराठी फिल्म में उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ये फिल्म 2019 की तेलुगु फिल्म मजिली से प्रेरित है, जिसमें नागा चैतन्य और सामंथा रथ प्रभु नजर आए थे। फिल्म 30 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म के गाने वेड लावल्य में सुपरस्टार सलमान खान का कैमियो है।